नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY24 न्यूज। कटरा प्रखंड के जजुआर पश्चिमी पंचायत के कोठिया टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। कुछ लोगों को इस घटना में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद दोनों पक्ष ने पुलिस में FIR दर्ज करवाया, जिसके बाद दोनों पक्ष के लगभग 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना में मुख्य आरोपी जजुआर पश्चिमी पंचायत के वर्तमान सरपंच मनीष कुमार के साथ साथ दर्जनों लोगों का नाम FIR में दर्ज किया गया है। घटना के बाद सरपंच मनीष कुमार का बयान भी सामने आया है, जिसमें सरपंच मनीष कुमार अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। मैं मनीष कुमार, सरपंच ग्राम कचहरी जजुआर पश्चिमी, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। जजुआर पश्चिमी पंचायत में दिनांक 18/7/22 को एक जमीनी विवाद हुआ था, जो कि विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट हुआ, उसके बाद सूचना मुझे मिली। मैं सूचना जजुआर OP को दे दिया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वहाँ पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। श्रावणी मेला के कारण सब लोग का ड्यूटी श्रावणी मेला में लगा हुआ था, वो पहुँच नहीं पाए। इसके बाद हम वहाँ पर गए मामला को तत्काल शांत कराने के लिए। शांत करा भी दिए, दोनों पक्ष को मैं समझा बुझा करके हिदायत दे दिया कि जाइए पहले इलाज करवा लीजिए। दोनों पक्ष इलाज करवाए, उसके बाद मामला थाना तक पहुंचा। कटरा थाना में कांड संख्या 265/22 दर्ज हुआ, जिसमें मुझे ही राजनीति रंजिश के कारण मुख्य अभियुक्त बना दिया गया। अब यहाँ एक सरपंच भी सुरक्षित नहीं है। कैसे कोई सरपंच किसी को भला और अच्छा बात कह सकता है? कैसे कोई मामला को शांत कराने कोई सरपंच जाएगा, जब सरपंच ही सुरक्षित नहीं है और गलत मुकदमे में उसको गलत ढंग से फंसा दिया जाता है? अब मैं वरीय पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जाँच करके अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दोषी ठहराया जाए, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे इस मुकदमे से बरी किया जाए। शासन और प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।